सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है। मैं आज आप लोग को कुछ इस प्रकार से दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग करके बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिवाली फेस्टिवल से फोटो एडिटिंग होने वाला है। जो फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, वो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि इससे आगे आने वाले रिलेटेड वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँ तो आपके पास चला जाए। सो फ्रेंड, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोग को बताते हैं कि दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड, आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले अपने गैलरी में चले आना है। गैलरी में आने के बाद फ्रेंड, जितना भी मटेरियल इसमें यूज होने वाला है फ्रेंड, उसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गया, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड, सबसे पहले ये वाले पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके इसे शेयर करना है एक एप्लीकेशन के अंदर जिसका नाम है पिक्सआर्ट। जी हाँ फ्रेंड, पिक्सआर्ट ऐप के अंदर इसे शेयर कर लेना। आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आराम से मिल जाएगा, वरना उसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सो फाइनली फ्रेंड, हम लोग इसे पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लिए हैं। तो शेयर करने के बाद फ्रेंड, इस तरह से इंटरफेस आप लोग को दिखेगा पिक्सआर्ट में ओपन होने के बाद। तो आप लोग को करना क्या है फ्रेंड, नीचे में बहुत सारे टूल्स आप लोग को शो कर रहे हैं, तो एक ऐड फोटोज का ऑप्शन दे रहा है, आप लोग ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, अपना खुद का एक पीएनजी, जो पिक्चर का पीएनजी होगा फ्रेंड, वो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, ये जो आप लोग का पीएनजी, कोई भी पीएनजी होगा सिटिंग डाउन का, वो आप लोग को पीएनजी कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ऐड कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग को ऐड कहाँ का करना है, और अगर आप लोग पीएनजी ऐड नहीं करना जानते हैं फ्रेंड, या फिर आप लोग का अपना पिक्चर का पीएनजी नहीं बनाना जानते हैं, तो उसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख करके आप लोग पीएनजी क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, हम लोग को यहाँ से पीएनजी को इस प्रकार से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फ्रेंड, ऊपर लेयर का एक ऑप्शन शो कर रहा है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, आप लोग डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर एक देखिए फ्रेंड, एक ऑप्शन आप लोग को शो कर रहा होगा रोटेट का। जी हाँ फ्रेंड, रोटेट का एक ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रेंड, ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आज कुछ इसे पकड़ के इस प्रकार से इसे नीचे की ओर ले आएंगे। नीचे की ओर लाने के बाद फ्रेंड, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपेसिटी को हम लोग इसे माइनस की ओर इतना 70-18 रख लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ तक रखने के बाद फ्रेंड, ऊपर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जो ऊपर राइट का ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेंगे। सो फाइनली फ्रेंड, यहाँ तक हमारा इंटरफेस हो गया। आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर लेना है। ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, हम लोग को दो पीएनजी सेलेक्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड, एक ए पीएनजी है और एक ए पीएनजी, दोनों को सिलेक्ट कर लेना। ऊपर ऐड का ऑप्शन दे रहा है, ऐड वाले पर क्लिक कर लेना। तो हम लोग का फाइनली फ्रेंड, हम लोग का दो पीएनजी आ गया, तो एक पीएनजी को इसे सेट करके यहाँ साइड में रख लेंगे। ए पीएनजी को कनेक्ट करके यहाँ से इस प्रकार से ला करके इसे स्मॉल छोटा करके यहाँ से इस प्रकार से इसे कॉर्नर में एडजस्ट कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ तक एडजस्ट कर लिए। फिर उसके बाद रॉकेट वाली पीएनजी को यहाँ पर लाएंगे फ्रेंड, ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हल्का बड़ा करके यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे रख लें। रखने के बाद फ्रेंड, ऊपर राइट का ऑप्शन दे रहा है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, आप लोग को फिर से ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पे चलना है। और ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फ्रेंड, आप लोग को दो पीएनजी और सेलेक्ट कर लेना है। एक पीएनजी ये रहा और एक ये दिए का जो पीएनजी, इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर से ऊपर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड, इसे जो पीएनजी है इसे साइड कॉर्नर में रख लेंगे। जो दिए वाले ऑप्शन है इसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ला के फ्रेंड, अपने पिक्चर को जूम करके इसे हल्का छोटा कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जो दिए का जो पिक्चर है इसे छोटा करके स्मॉल साइज करके कुछ इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, साइड कॉर्नर में कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर टैप कर लेंगे स्क्रीन पर। स्क्रीन पर टैप करने के बाद फ्रेंड, सेकेंड वाले पीएनजी पर क्लिक करेंगे और नीचे के साइड वाले ऑप्शन पर देखते रहिए ध्यान से। यहाँ पर एक ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन दे रहा है, ब्लेंडिंग वाले मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्क्रीन कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, स्क्रीन करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से पीएनजी लगने लगेगा, तो इसे स्क्रीन को इसे रोटेट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, इसे कुछ इस प्रकार से इसे रोटेट कर लेना है। और रोटेट करने के बाद फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से अपने पिक्चर को जूम करके कुछ इस प्रकार से यहाँ स्मॉल साइज करके यहाँ इसे एडजस्ट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसा लगना चाहिए कि ये जो चिंगारी काक का है यहीं से इस रॉकेट के अंदर से निकल रहा है। यहाँ से निकालने के बाद फ्रेंड, ऊपर जो इरेज का एक ऑप्शन शो कर रहा है, आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, इसे जो नीचे का जो ऑप्शन है पोर्शन है इसे आराम आराम से हल्का हल्का इरेज कर लेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इरेज करके इसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ तक फिक्स होने के बाद फ्रेंड, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, इसे आराम से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड, ऊपर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ तक के हमारा पिक्चर हो गया फ्रेंड। और पिक्चर यहाँ तक होने के बाद फ्रेंड, फिर से हमें लास्ट ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर से हमें लास्ट दो पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना है, एक हैप्पी दीपावली का फ्रेंड हो गया, एक स्मोक वाला हो गया। दोनों को ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, हैप्पी दीपावली वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ से
ड्रैग करेंगे और ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद फ्रेंड इसे यहाँ पर स्मॉल साइज करके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर इसे रख लेंगे, दीपावली हैप्पी दीपावली लिख करके। उसके बाद स्मोक वाले पर क्लिक कर लेंगे। स्मोक वाले पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इसे ड्रैग करके इसका साइज बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इसे नीचे की ओर ला करके लगा लेंगे और उसके बाद फिर से इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन रख लेंगे। स्क्रीन करने के बाद फ्रेंड इसको क्या करना है, इसका शैडो ओपेसिटी है फ्रेंड इसको हम लोग को थोड़ा कम कर लेंगे। कम करके कुछ इस प्रकार से इतना ही रख लेंगे और ऊपर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फाइनली फ्रेंड आप लोग को देख सकते हैं जो हमारा सारा इमेज था जो लग चुका है। जहाँ फ्रेंड पहले कैसा था आफ्टर देख सकते हैं और बिफोर कुछ लगने के बाद कुछ इस प्रकार से कमाल का लगने लगा है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और जस्ट फोटो का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। यहाँ सब लोग को क्या करना है फ्रेंड, क्लैरिटी वाले पर क्लिक करके हल्का से इसे क्लैरिटी को बढ़ा लेना है। यहाँ पर 10% रख लेंगे और उसके बाद सैचुरेशन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड सैचुरेशन को 18 रख लेंगे। ऊपर से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड अब इसे हम लोग को सेव करना है। सेव करने के लिए आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, नीचे ड्राई टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड ऊपर की ओर आप लोग देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन दे रहा है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव इमेज का एक ऑप्शन दे रहा है। सेव इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा फाइनली गैलरी में सेव हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसी टाइप का टिप्स और वीडियो क्लिप आने के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।